आज शताब्दी समारोह में सीएम योगी होंगे शामिल। शताब्दी स्तंभ का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डाक टिकट शताब्दी स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के तहत सम्मान समारोह। लखनऊ जू का शताब्दी समारोह है आज। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शताब्दी समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल, जहां शताब्दी स्तंभ का अनावरण करेंगे सीएम। डाक टिकट शताब्दी स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के तहत सम्मान समारोह का आयोजन होगा। लखनऊ जू के शताब्दी समारोह है आज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो गौरव, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके के कार्यक्रम आज लखनऊ जू में होने वाले हैं? देखिए गौरव, मुख्यमंत्री का आज दो जगह कार्यक्रम है, तो वो कुशीनगर भी जाएंगे और साथ ही साथ उनका शाम को लखनऊ में भी कार्यक्रम रहेगा। आपको बता दें कि लगभग लगभग 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया और गोरखपुर के लगभग लगभग 25-3 जोड़ों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहाँ पर उनके साथ मंत्री शिव प्रताप शाही, स्वयं प्रसाद मौर्य, बंधु कोरी और वहाँ के सांसद जो तप्तर रामपति राम त्रिपाठी ही शामिल होंगे। ये कार्यक्रम लगभग लगभग 11:30 बजे शुरू होगा, जो कि कुशीनगर के बुद्धा पार्क में किया जाएगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री जोड़ों को पूरी तरह से आशीर्वादित नजर आएंगे। और साथ ही साथ माना जा सकता है कि वहाँ पर जो वहाँ पर लोग होंगे, साथ ही साथ वहाँ पर लोग आएंगे, उनकी जनसभा भी वहाँ हो सकती है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री लगभग लगभग 4:45 बजे के लगभग लखनऊ पहुंचेंगे। वहाँ पर नवाज बाल जो की लखनऊ जू के नाम से जाना जाता है, उसके शताब्दी समारोह है, जिसमें उनका शताब्दी समारोह में शताब्दी स्तंभ का वहाँ पर अनावरण पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा और एक शताब्दी स्मारिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री जावर सिंह चौहान और राज्य मंत्री अनिल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। गौरव, डाक टिकट का शताब्दी स्मारिका का विमोचन करने की वजह से क्या कारण है डाक टिकट जारी करने का? देखिए, आपको बता दूं कि जब भी कोई विशिष्ट काम होता है या कोई शताब्दी वर्ष समारोह होता है, किसी व्यक्ति विशेष का होता है या फिर किसी संस्थान विशेष का होता है सरकारी, तो माना जाता है हमेशा से ही ये प्रथा चली आ रही है और कोशिश ये रहती है कुछ तो व्यक्ति विशेष के नाम पे एक स्मारिका का विमोचन भी होता है और डाक टिकट भी जारी किया जाता है। ये किसी महापुरुष के नाम पे भी हो सकता है और ये किसी व्यक्ति विशेष स्थान या किसी संस्था के नाम पे हो सकता है। तो यदि शुरू से कार्यक्रम चले आते रहे हैं कि अगर शताब्दी समारोह होता है, हालांकि शताब्दी स्तंभ का अनावरण अपने आप में नया कार्यक्रम होगा, जो कि प्राणविध्यान में जो अभी आज उसका मुख्यमंत्री अनावरण करेंगे और डाक टिकट शताब्दी स्मारक का विमोचन जो मुख्यमंत्री करेंगे, तो वो हमने देखा ही जाता है कि शताब्दी समारोह उत्तरी संस्थान है प्रत्येक देश के, वहां पर डाक टिकट या शताब्दी स्मारिका का विमोचन आमतौर पर किया जाता है। इसके साथ माना जाता है कि मुख्यमंत्री शाम को अक्सर विचार बैठक भी की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बन रहा है और सहारनपुर जो राज्य विश्वविद्यालय है उसकी जो शिलान्यास किया जाना है, उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री बैठक कर देने जाएंगे। और माना जाता है कि सहारनपुर जिले के जो जनप्रतिनिधि है उनके अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री वर्चुअली रूप से समीक्षा बैठक करेंगे। वन्य जीव संरक्षण के तहत क्या कुछ और ऐसा कोई नियम कायदा जारी हो सकता है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री अभी हाल में मैं आपको बता दूं कि मान्यवस्ती गई थी, वहां पर भी कार्यक्रम हुआ था और उन्होंने भालू को भी गोद दिया था और कुछ तमाम कोशिश होती है वन्य जीव अधिनियम पर। अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें केवल आपका शताब्दी स्तंभ का अनावरण रहेगा, डाक टिकट और शताब्दी स्तंभ के विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो लखनऊ जू का जो शताब्दी समारोह है, जिस शताब्दी समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और शताब्दी स्तंभ का अनावरण करेंगे सीएम योगी, डाक टिकट शताब्दी स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। अमौसी एयरपोर्ट पर नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, एयरपोर्ट पर 24 घंटे होगी नए वेरिएंट की जांच, विदेशों से आने वाले यात्रियों की होगी जांच, व्यक्तियों को आरटीपीसीआर व स्कैनिंग जरूरी किए गए, नए वेरिएंट को देखते हुए 4 टीमें की गई हैं तैनात।
अमौसी एयरपोर्ट पर नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एयरपोर्ट पर 24 घंटे होगी नए वेरिएंट की जांच। विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी, व्यक्तियों के आरटीपीसीआर व स्कैनिंग जरूरी की गई, जहां नए वेरिएंट को देखते हुए 4 टीमें भी तैनात की गई हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अमौसी एयरपोर्ट पर नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जहां एयरपोर्ट पर 24 घंटे होगी नए वेरिएंट की जांच, विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी, जहां व्यक्तियों के आरटीपीसीआर व स्कैनिंग जरूरी की गई, नए वेरिएंट को देखते हुए 4 टीमें की गई हैं तैनात। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो गौरव, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, कौन कौन की व्यवस्थाएं की गई हैं अमौसी एयरपोर्ट पर? और केंद्र सरकार द्वारा भी लगातार ये जानकारी दी जा रही थी कि जिस वेरिएंट के तहत हम लोगों को सजग रहना है, और खास तौर पर टेस्ट के साथ साथ और वैक्सीनेशन का विशेष जोर रहना है, जिसके लिए वैक्सीनेशन के लिए सरकार द्वारा कहा गया है कि बिटू यूनिट स्तर पर वैक्सीनेशन कराया जाए, कि वैक्सीनेशन ये एक कार्यक्रम है जिसके तहत हम कोविड लग सकते हैं उससे बच सकते हैं, बट इसके साथ साथ हमको अपने आप को बचाना भी है और सरकार भी इसमें लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत अभी हाल में आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री द्वारा मीटिंग ली गई थी और कहा गया था कि सारे जिलाधिकारी जिस तरह से लोग हैं सारे देखा जाए किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, तमाम चीज चल रही है, उसकी कड़ी में रहता है। लखनऊ में भी अभी जो जिलाधिकारी अभिषेक प्रताप है, उन्होंने हाल में 2 दिन पहले भी एक आदेश जारी किया था कि बिना सभी जगह सभी मूल केंद्रों पर कोविड की वैक्सीन लगवाई जाएगी, चाहे वो पहली हो चाहे दूसरी हो, और कार्रवाई देख रहे थे और समीक्षा बैठक कर रहे थे किस तरह से इस चीज को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। और अभी हाल में ही उन्होंने अमौसी एयरपोर्ट है वहां पे एक आपातकाल बैठक बुलाई थी और उन्होंने कहा था जो भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट वहां पर आ रही है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे वो आप विदेश से भी आ रही हो, सभी यात्रियों की तरफ स्क्रीनिंग की जाए और सभी खासतौर से विदेशों से आने वाले डायरेक्ट आने वाले सभी फ्लाइट के जो भी टूरिस्ट तक नहीं जा रहे हैं वो सबका आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का उन्होंने कहा है। सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना उनको बाहर नहीं जाने जाए, आरटीपीसीआर टेस्ट होगा चाहे वो डोमेस्टिक हो और चाहे आपका इंटरनेशनल हो। इसके अलावा उन्होंने कहा है 4 काउंटर वहां बनाए गए हैं जो कि एयरपोर्ट पर बनेंगे और चारों काउंटरों पर इस तरह से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनके यात्री और डोमेस्टिक एयरपोर्ट के यात्री जो आती है सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और सभी उन लोगों को अगर वो कुछ कोई लक्षण पाए जाते हैं या कोई दिक्कत पाई जाती है तो उनको तत्काल रूप से क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ये आदि जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ और वहां पर जो व्यवस्था बनाई है उनको दिया है और वहां पर 4 काउंटर बनाने का आदेश जिलाधिकारी अधिकार ने दिया है। साथ साथ उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराने से पहले और साथ ही प्रवक्ता की नाम पता मोबाइल नंबर एयरपोर्ट तक। जी गौरव, जिस तरीके से बोला जा रहा है विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी, तो क्या सिर्फ विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी या सभी की होगी, क्योंकि वहां पे कई विजिटर्स भी होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने किसी ना किसी खास को वहां छोड़ने के लिए जाते हैं, तो क्या उन पे भी कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या उन पे भी कोई जांच की जाएगी? अच्छा गौरव जी, और ये बताइए कि जिस तरीके से कोरोना के चलते जैसे कुछ सावधानियों के लिए भी बात की गई थी, उसके चलते भी क्या कुछ ऐसे अलर्ट जारी किए गए हैं, जैसे मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी फिर से बढ़ाई गई है, और जो लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या उनपे भी कोई फाइन या कोई जुर्माना अभी लगाया जाएगा?
अस्पताल जो का आदेश केवल स्क्रीनिंग पर है, क्योंकि अन्य देशों में भी टेंसर फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है। इसराइल की बात तो इसराइल में टेंसर फ्लाइट पर रोक लगा रही, पर अभी हमारे यहाँ रोक नहीं लगाई है, पर अभी सघन स्क्रीनिंग और आर्टिफिशियल टेस्ट के लिए कह दिया गया है। हालांकि अभी रोक हिंदुस्तान में डॉक्टर प्रिंस में किसी फ्लाइट पर नहीं लगाई गई है। आने वाले व्यवस्था में सकता रोक लगा दी जाए विशेष फ्लाइट पर, और अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। माना जा सकता है कि अगर कोविड के मामले बढ़े भी, जो नया वेरियंट ओमिक्रॉन आया है, उसके अगर मामले बढ़ते हैं तो इस तरह का फैसला अभी गवर्नमेंट ले सकती है। और साथ ही साथ ये तो शुरू से ही लगातार कहा जाता रहा है कि मास्क और सैनिटाइजेशन हमेशा जरूरी है, मास्क लगा रहते हैं, क्योंकि मास्क ही आपको कोविड से बचा सकता है। तो इस तरह के हो सकता है बड़ा आदेश कोई बैठक हो सकती है, जिलाधिकारी पूर्ण रूप से लखनऊ में भी मास्क लगाने के लिए अभियान चालू करें, जिससे कि लोग आम लोग मास्क लगाए और जो नए वेरियंट है इससे अपना बचा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां नए वेरिएंट को देखते हुए चार टीमें तैनात की गई हैं अमौसी एयरपोर्ट पर, जहां अमौसी एयरपोर्ट पर नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर 24 घंटे नए वेरिएंट की जांच होगी, जो विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा नेता ने लगवाई विवादित होर्डिंग, टेट पेपर लीक होने के मामले में लगाई है होर्डिंग, नकल दमदार छात्रों का बंटाधार योगी सरकार, फन मॉल चौकी के आगे ओवरब्रिज पर लगी है ये होर्डिंग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा नेता ने लगवाई है एक विरोधी होर्डिंग, जहां टेट पेपर लीक होने के चलते लगाई गई है, नकल दमदार छात्रों का बंटाधार योगी सरकार, फोनी फन मॉल चौकी के आगे ओवरब्रिज पर लगी है ये होर्डिंग, सपा नेता ने लगवाई है ये विवादित होर्डिंग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो गौरव, किस तरीके की होर्डिंग ये देखी जा रही है, आखिर किसने लगवाई है ये होर्डिंग? चुनाव आ गए, चुनाव को देखते हुए हमेशा देखा जा रहा है इस तरह की विवादित होर्डिंग लगातार लगती रही है। पहले भी कई तरह की ऐसी होर्डिंग है जो विपक्ष के नेता लगवाते रहे हैं और सुर्खियों में आते रहे हैं। और जिस तरह से कल पीएटी का पेपर लीक हुआ था और काफी समय से देखा जा रहा था कि कुछ पेपर ऐसे थे जो लीक हो जाते थे, एक पूरा नकल माफिया और एक गैंग काम करता है, सोलवर गैंग का इस्तेमाल करते हैं, जो किस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, एसकेप लगातार जुड़ी हुई है, एसकेप इन मामले में कल भी लगभग 26 लोगों की इसमें मामले में गिरफ्तारी हुई थी। तो सरकार अपना काम कर रही है, पर अभी कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कोई खामी ऐसी है जिससे इस तरह की पारदर्शिता घटना हो जाती है और पेपर लीक हो जाता है, जिससे आम छात्रों को काफी परेशानी होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कल ये भी कह दिया था कि 1 महीने के अंदर दोबारा दोनों माध्यम परीक्षा करा ली जाएगी, और जो छात्र गंतव्य स्थल तक आए थे, यहाँ तक आए थे, लखनऊ आए थे या कहीं भी पहुंचे थे, वो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर बसों से वापस अपने घर को जा सकते हैं। वो भी उसके लिए उससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो निःशुल्क पथ यात्रा कर सकते हैं और अपने गंतव्य स्थल पर जा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी परीक्षा होगी उसमें भी कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। अब अगर होर्डिंग की बात करें तो आपको बता दूं, जब से ये मामला आया है कल, तो वैसे सबसे लगातार विपक्ष सरकार पर हमला बढ़ा है, बोल रहा है कि जिस सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक आउट होते हैं, चाहे प्रियंका गांधी ने ट्वीट के माध्यम से सरकार पर हमला बोला था, तो अपने चेहरों ने यह बात कही थी, सरकार में लगातार पेपर आउट हो रहे हैं और जो छात्र है प्रतियोगी छात्र उनका बंटाधार हो रहा है इस टाइप से, तो माना सकता है इसी पत्रकार में चलते हुए सपा नेता जो है वो आएगी थी। उन्होंने एक विवादित होर्डिंग जो है फन मॉल चौकी के आगे लगाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि नकल दमदार छात्रों का बंटाधार योगी सरकार, तो उसको योगी सरकार को टैग किया है और कहा है कि योगी सरकार में लगातार परीक्षाओं की जो है वो पेपर लागू हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर लिखा है कि नव परीक्षाओं पेपर लीक का स्वीकार बनाने पर योगी सरकार को बधाई दी है उन्होंने, और कहा है कि यूपी पेपर लीक परीक्षा विरत, इस तरह से उन्होंने एक होर्डिंग लगाई है फन मॉल चौकी पर। ये होर्डिंग गौरव, किस बात के चलते ये चीज कही जा रही है कि ये जो होर्डिंग लगाई गई है वो सपा नेता ने ही लगाई है? नहीं, सपा नेता का नाम इसमें लिखा हुआ है, आईवी सिंह लिखा हुआ है, तो यही जानकारी है कि आईवी सिंह सपा पार्टी का नेता है, तो इसे ये उनके नेता के नाम से होर्डिंग लगी है, साइड में उनका लिखा हुआ है आईवी सिंह, तो माना जा सकता है कि सपा नेता ने ही होर्डिंग लगवाई है, नाम से कंफर्म हो रहा है कि होर्डिंग सपा नेता लगवाई है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो सपा नेता ने लगवाई है एक विवादित होर्डिंग, टेट पेपर लीक होने के मामले में लगाए है होर्डिंग, नकल दमदार छात्रों का पंटाधार योगी सरकार, फन मॉल चौकी के आगे ओवरब्रिज पर लगी है ये होर्डिंग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लखनऊ में एक होर्डिंग लगी है जिसमें लिखा है नकल दमदार छात्रों का पंटाधार। शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोलाघाट पुल देखते ही देखते भरभरा कर गिर पड़ा, जा रामगंगा नदी पर बना है कोलाघाट पुल, करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया था पुल, 11 साल पहले पुल का निर्माण कराया गया था, जहां दो दिन पहले तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर ट्रक ने तोड़ा रेलिंग, तोड़कर लटका था इसी ओवरब्रिज पर ये ट्रक। मामला जलालाबाद थाना के कोला पुल का है, कोलाघाट पुल देखते ही देखते भरभरा कर नदी में गिरा, रामगंगा नदी पर बना है कोलाघाट का पुल, करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया था ये पुल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आरिंद, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये पुल टूटने का हादसा बताया जा रहा है? आरिंद, आपको हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? तो शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां करोड़ों रुपए खर्च करके भी 11 साल पहले पुल का निर्माण कराया गया था, जो दो दिन पहले तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर ट्रक ने तोड़ा, रेलिंग तोड़कर लटका था इसी ओवर ब्रिज पर ये ट्रक, जहां मलालाबाद मामला जलालाबाद थाना के कोलापुर का है, कोलाघाट पुल देखते ही देखते भरभरा कर गिर पड़ा, रामगंगा नदी पर बना है कोलाघाट का पुल, करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया था पुल। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना बड़ा ये ब्रिज अचानक से गिर गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आयेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो आयेंद्र, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? जी देखिए, जैसे कि जो पुल है जो लगभग रात्रि 3 बजे करीबन जो गिरा है, इससे बड़ा हादसा होते होते चला है। और ये लगभग बता रहे हैं आपको, बसपा सरकार में लगभग ये 11 साल है पहले पूर्व बना हुआ था पुल करोड़ों रुपए की लागत से, उसके बाद एक बार और ये धराशायी हुआ, इसका निर्माण लगभग अभी 2 महीने पहले इसकी मरम्मतीकरण की गई थी, इसके बाद भी आज लगभग 3 बजे जो हादसा देखने को मिला, बड़ा हादसा चला है इससे। और ये जो पूरा पुल, जो दो पुल है नीचे पूरा क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर नीचे गिर गया जाकर के, लगभग देखा जा रहा है अगर इस तरीके से अगर दिन में अगर गिरता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी 2 दिन पहले लगभग देखा गया है कि रेलिंग तोड़कर एक ट्रक उस पर लटक गया था, जिसके कारण उस समय भी बड़ा हादसा हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाता है आए दिन ऐसे बड़े हादसे होते देखने को मिल रहे हैं। आयन, क्या इस पुल के लिए किसी ने शिकायत दर्ज कराई थी, क्या कुछ इसके कंप्लेन भी आई थी कि इसमें मरम्मत का कार्य फिर से करना चाहिए? जी देखिए, इसमें जो है भाजपा सरकार ने इसमें एक्शन लिया था कि जो पुल में से बड़े बड़े गड्ढे थे, जिसके चलते आए दिन छोटे बाइक चालकों को आए दिन हादसों का इसमें देखना को मिलता, कई हादसे हुए थे बाइक चालकों के साथ, जिसको लेकर शिकायतें क्या लगभग न्यूज पेपरों में और टीवी चैनलों में कई बड़ी प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए इसका मरम्मतीकरण करवाया था। 2 महीने लगभग हो चुके हैं और इसके बाद ये देखा गया कि जो पुल था पूरा छोटा जो नीचे का पुल था वो धराशायी हुआ था, जिसका मरम्मतीकरण लगभग 1 हफ्ते हुआ था, जिसके बाद ये 2 महीने बाद देखने को ये बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है। आयेंद, किस तरीके की मरम्मत की गई थी, जहां बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले ही इसका मरम्मत का कार्य किया गया था, क्या पुष्टि हो रही है कि मरम्मत का कार्य किया भी किया था, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही इस तरीके से पुल गिरने का एक बड़ा ही कारण है, मरम्मत या तो हुई नहीं है या उस पर अभी एक्शन कुछ लिया ही नहीं गया? जी देखिए, मरम्मतीकरण है यहाँ पर है जो खाना पूर्ति की जाती है, सही तरीके से अगर देखा जाए तो मरम्मतीकरण है वो देखने को सही तरीके से नहीं मिला, आज भी गड्ढे वही जो है गड्ढे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे गड्ढे थे जो वो भरे नहीं गए हैं, बड़े गड्ढे थे भर दिए गए, छोटे गड्ढे अभी भी उस पर मौजूद हैं, जिस कारण आए दिन ऐसे पुल था पूरा हिल रहा था, जब उस पर वाहन अगर भारी वाहन अगर चलता था पूरा पुल
है वो हिलता था, जिसके लेकर लोगों में शंकाएं भी रहती थी कि किसी दिन ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन देख ज्यादा दिन भी नहीं कट रहे थे अभी तक, तब तक इस तरीके से जो रात्रि में दृश्य देखने को मिला, इस तरीके से पूरा क्षेत्र में जो है रोष व्याप्त है कि जो कई पार्टी विपक्ष पार्टियां इस सवाल भी खड़े कर रही हैं कि जो सरकार ने बसपा सरकार में जो बनाया गया था पुल वो कहीं ना कहीं ये जो है भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है, जिसमें घटिया निर्माण से बनाया गया इसको जो लगातार ऐसे देखने को मिल रहे हैं, और जो यात्रियों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं क्योंकि जो है शाहजहांपुर जो डायवर्जन है वो इस समय जो अल्लाहगंज और फरुखाबाद से होते हुए किया गया है, और नीचे से पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग कर उनको जो सवारियों को है यात्रियों को रोक रखा है कि इधर से उधर आवागमन पूरा बंद है। अयन, क्या किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना भी मिल रही है? जी ऐसा कुछ नहीं है, लगभग जो तीन बज रहे थे लगभग जिस समय ये पुल धराशायी हुआ तो उस समय कोई वाहन उस पुल पर यानी कि मौजूद नहीं था, इधर उधर तो लगभग 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाहन से आ रहे थे, जिस समय ये पुल गिरा उस समय कोई वहां पर वाहन मौजूद नहीं था, जबकि अभी सुबह मॉर्निंग में जब शिकायत इस तरीके से मिली तो वहां पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया तो उन्होंने पुल का जो बैरिकेडिंग कर रोका है, इधर उधर वाहनों का आवागमन रोका है, और नीचे जो है नाव का भी बताया जा रहा है कि नाव का सहारा लेकर लोगों को इधर उधर यातायात चालू कराया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आयन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां दो दिन पहले तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर एक ट्रक ने तोड़ा था ये पुल, रेलिंग तोड़ कर लटका था इस ओवरब्रिज पर ये ट्रक, जहाँ मामला जलालाबाद के थाना के कोला पुल का बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का गाजीपुर दौरा, बीजेपी विधायक स्वर कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि है आज, जहां पुण्यतिथि में शामिल होंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच पहुंचेंगे शहीद पार्क, पुण्यतिथि पर हर साल होता है कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का गाजीपुर दौरा है, जहां बीजेपी विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि है आज, पुण्यतिथि में शामिल होंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच पहुंचेंगे शहीद पार्क, पुण्यतिथि पर हर साल होता है ये कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गाजीपुर का दौरा है आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का, जो बीजेपी विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि में शामिल होंगे, जहां पुण्यतिथि में शामिल होंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, देवांशी सिंह के साथ पटना सूद में बंधे हैं बीबीडी ग्रुप के चेयरमैन है विराज सागरदास, पूर्व विधायक रायबरेली अखिलेश सिंह की बेटी है देवांशी सिंह, बड़े राजनीतिज्ञों की उपस्थिति में विवाह समारोह संपन्न हुआ है, देवांशी सिंह के साथ पटना सूद में बंधे हैं चेयरमैन, बीबीडी ग्रुप के चेयरमैन है विराज सागरदास, पूर्व विधायक रायबरेली अखिलेश सिंह की बेटी है देवांशी सिंह, बड़े राजनीतिज्ञों की उपस्थिति में विवाह समारोह संपन्न हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं देवांशी सिंह का विवाह हुआ है, पूर्व विधायक रायबरेली अखिलेश यादव की बेटी है, बड़े राजनीतिज्ञों की उपस्थिति में हुआ है ये विवाह। सीएम योगी का कुशीनगर और लखनऊ दौरा है आज, सीएम योगी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे, 2503 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम, सुबह 11 बजे बुद्धा पार्क पडरौना कुशीनगर में कार्यक्रम, दोपहर 3:45 बजे लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का कुशीनगर और लखनऊ दौरा है आज, जहां सीएम योगी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे, 2503 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया जाएगा, जहां सुबह 11 बजे बुद्धा पार्क पडरौना का है पूरा मामला।